हेलो दोस्तों, अभी हम लोग एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। और हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है क्या नहीं ये देखा है, तो अभी एग्जांपल सॉल्व करने हैं इसके। ठीक है, एक एग्जांपल कंपलसरी आएगा ही एग्जाम में, इसको मान के चलना है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन पर एक आएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पर एक आना ही है, पार्शियल फ्रैक्शन पर एक आना है। ठीक है, क्योंकि इंडिफिनिट इंटीग्रल तीन पार्ट्स में डिवाइड है। अगर इसके अंदर नहीं आया तो डिफिनिट इंटीग्रल में आएगा, क्योंकि क्या होता है इंडिफिनिट इंटीग्रल डिफिनिट इंटीग्रल में ज्यादा फर्क नहीं। अगर पहला एक्सरसाइज छोड़ा लिमिट ऑफ सम वाला, तो बाकी जितने भी एग्जांपल्स आएंगे डिफिनिट इंटीग्रल के अंदर, तो आपको बस लिमिट्स को सब्स्टिट्यूट करना होता है। पहले आप इंडिफिनिट इंटीग्रल ही सॉल्व करेंगे, जैसे इंटीग्रल ऑब्टेन होगा तो उसके अंदर अपर लिमिट और लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करके आपको उसका वैल्यू निकालना होता है। तो बेसिकली डिफिनिट इंटीग्रल को आप सॉल्व करते हो, मतलब आप एरिया निकालते हो उस कर्व के अंदर आने वाला, जो भी लिमिट दिया है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन उसके लिए आपको इंडिफिनिट इंटीग्रल आना ही चाहिए, इसलिए डिफिनिट इंटीग्रल में नया कुछ भी नहीं है। डिफिनिट इंटीग्रल में आपको बस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस समझना है, वो समझ में आ गया तो कैसे आप लोग वैल्यू निकालते हो। ठीक है ना, जैसे इंडिफिनिट इंटीग्रल में आपका वेरिएबल रहता है लास्ट टाइम में, डिफिनिट इंटीग्रल में आपको कॉन्स्टेंट मिलता है नंबर, जो कि एरिया होता है, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। लेकिन कहने का तात्पर्य इतना है कि इंडिफिनिट इंटीग्रल खत्म हो गए तो डिफिनिट इंटीग्रल दो दिन में मैं खत्म करा सकता हूँ। कैसे, सारी चीज़ें होमवर्क को रहेंगी, बस पहले एक्सरसाइज में समझा दूंगा और थियरम्स और प्रॉपर्टीज बता दूंगा। मतलब डिफिनिट इंटीग्रल में 80% टॉपिक जो है वो इंडिफिनिट इंटीग्रल आता है तो ही डिफिनिट आ सकता है ना, क्योंकि डिफिनिट इंटीग्रल में नया कुछ भी नहीं होता। बस आपको मैंने दो तीन चीज़ें बता दी इंपॉर्टेंट, फिर प्रॉपर्टीज के ऊपर के एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करने हैं और लिमिट ऑफ सम वाले कैसे सॉल्व करने हैं, इतना ही सोचना होता है। ठीक है, तो डिफिनिट इंटीग्रल में इंडिफिनिट वाला पार्ट फिर से रिपीट नहीं करूंगा मैं, तो वो आप लोग खुद सॉल्व कर पाएंगे। अब वो कैसे है क्या नहीं वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, लेकिन मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि दोनों को मिला के क्वेश्चन पूछा जाता है। डिफिनिट इंटीग्रल और इंडिफिनिट इंटीग्रल दोनों को मिला के अगर मान लीजिए 10-12 मार्क्स बनते हैं, तो वो देखते कि अगर इंडिफिनिट में उन्होंने बाय पार्ट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, तो फिर डिफिनिट के अंदर वो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पर पूछेंगे। क्योंकि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन को सॉल्व करने के बाद जो इंटीग्रल मिल रहा है उसके अंदर आपको लिमिट्स रखने हैं, तो इस तरीके से वो क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, वेटेज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। चलिए, लेकिन इंपॉर्टेंट इंडिफिनिट इंटीग्रल ही है। डिफिनिट इंटीग्रल में तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, मतलब इंडिफिनिट नगर अगर नहीं आता है तो फिर डिफिनिट के बारे में सोचना भी नहीं है। ठीक है, चलिए, हाँ, डिफरेंट पार्ट क्या है, एरियाज वाला पार्ट डिफरेंट है। जब आप एप्लीकेशन और डिफरेंट इंटीग्रल देखते हो, तब उसके अंदर आपको कर्व्स का नॉलेज होना चाहिए, जहाँ से आप एरियाज को फाइंड आउट करते हो। ठीक है, तो लेकिन फिर भी इंडिफिनिट इंटीग्रल सही सभी जगह आता है, इसलिए तो शुरुआत के टॉपिक्स में ज़्यादा टाइम लगता है हमें डिफरेंशिएशन समझने के लिए। जैसे मैं अगर 12th का सीधा डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर देता तो पॉसिबल ही नहीं था। 12th का सिलेबस समझने के लिए हमें डिफरेंशिएशन का बेसिक पढ़ना पड़ा, उसके लिए हमें कंटिन्यूटी, लिमिट्स, फंक्शन, ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ी। तो बेसिकली डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को समझने के लिए शुरुआत आपकी होती है सेट से, सेट्स, रिलेशन, फंक्शन, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन, इस तरीके से, और फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, फिर इंडिफिनिट इंटीग्रल। इन तीनों को इतना टाइम लगा है, इसके बाद डिफिनिट इंटीग्रल बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन को ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो 4-5 लेक्चर का काम है। तो मतलब मेरा ये अनुमान है कि अक्टूबर महीने के अंदर आपका पार्ट 2 खत्म हो जाएगा, फिर मैं पार्ट 1 की तरफ मुड़ सकता हूँ। ठीक है, चलिए, तो दिमाग में ये मत रखो कि सिलेबस कब खत्म हो जाएगा क्या नहीं, जो कर रहे हो उसको बेहतर तरीके से करो। बोर्ड की बुक से सॉल्व करने के बाद में मॉड्यूल के लेवल 1 लेवल 2 को अच्छा करने की कोशिश करो। ठीक है, और डिस्टर्ब नहीं होना है कि यहाँ देखो, ये वीडियो देखो, इसके वीडियो देखो, उसके वीडियो देखो, ऐसे करो, है ना, फालतू में माँ बाप के पैसे वेस्ट मत करो इधर उधर इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करने में। जो मेन दिक्कत होती है बच्चों में वो होती है खुद की मेहनत करने में। ऐसे कोई भी टीचर नहीं जिसके हाथ में मैजिक स्टिक है कि वो आपको कोई चीज़ समझा देगा, है ना। जितना लो जगह पर, मतलब जितना नीचे आके मैं पढ़ाता हूँ, मुझे तो लगता है कि कोई पढ़ाता भी होगा ऐसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर चीज़ों के अंदर घुसना है तो पहले तो खुद के ऊपर आदमी को कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर बच्चा कुछ भी पूछेगा तो हम उसके लिए आंसर देने के लिए कैपेबल होने चाहिए, है ना। तो मैं इसलिए हर चीज़ के अंदर जा रहा हूँ ताकि मैं समझता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आए। अब यहाँ पर तो कुछ होता ही नहीं है, सोचने वाली बात ज़्यादातर एप्लीकेशन में थी, जो डेरिवेटिव के थे, रेट मेजर के एग्जांपल्स में थी, बाकी तो ये तो सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड होती है चीज़ें, तो इसमें करने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना।
चलिए आगे बढ़ेंगे। अब ये ठीक है, हमें पता है कि हम लोग इंटीग्रेशन पार्ट पार्ट के ऊपर डिपेंडेंट एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम में तो ऐसे नहीं होगा। एग्जाम में अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप सोचेंगे कि भैया दो फंक्शन है और दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है। अब दो फंक्शन का मतलब समझ रहे हैं ना, दिस इज अल्जेब्रिक फंक्शन, दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो आपको ये तो समझ में आता है कि दो अलग फंक्शन है और उनका मल्टीप्लीकेशन दिया है, ठीक है। तो दो अलग फंक्शन उनका मल्टीप्लीकेशन दिया है, तो या तो ये इंटीग्रल सॉल्व होगा बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन या फिर सॉल्व होगा बाय पार्ट्स। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करने के लिए कोई सब्स्टिट्यूशन हो पॉसिबल, कुछ भी नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ज्यादातर हम लोग इनवर्स की जगह पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो फायदा क्या। तो इसका मतलब बाय पार्ट सप्लाई करना है। अब बाय पार्ट सप्लाई करना है तो सबसे पहले प्रिफरेंस ऑफ द फंक्शन, पहले कौन आएगा, फर्स्ट नंबर पर कौन सा फंक्शन लिखना है, सेकंड नंबर पर। तो रूल कौन सा होता है, LIAT, ये रूल क्या कहता है कि सबसे पहले कौन रहेगा, लॉगरिथमिक, फिर आएगा इनवर्स। तो इसमें तो लॉगरिथमिक है नहीं, तो पहले प्रेफरेंस देना है इनवर्स को। तो लेट आई बी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, लेट आई बी इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ एल टैन इनवर्स फंक्शन पहले लिखा, फिर आता है अल्जेब्रिक का नंबर, तो एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये बेसिकली ऑर्डर है, इस ऑर्डर में आपका फंक्शन होना चाहिए, पहले लॉगरिथमिक, फिर इनवर्स, फिर अल्जेब्रिक, फिर ट्रिग्नोमेट्री, फिर एक्सपोनेंशियल। इसलिए इन वर्ड्स को इन्हीं ऑर्डर से ध्यान में रखना जरूरी है, LIATE, या फिर आप इसको इनवर्स को पहले लिखे IAATE भी ध्यान में रख सकते हो, ये दोनों सेम ही होते हैं, बेसिकली ये दोनों साथ में आते ही नहीं कभी, ठीक है ना। तो चलिए tan इनवर्स x * x dx, अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन का हमें पता है कैसे करते हैं हम लोग, पहला फंक्शन जैसे कि पैसा दूसरे का इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डेरिवेटिव, दूसरे का इंटीग्रेशन dx। अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना, अगर आपको बोर्ड के वैसे लिखना है तो बहुत अच्छे से आपको लिखना पड़ेगा, जैसे कि पहला फंक्शन ऐसे थी, फिर मैं यहाँ पर लिखूंगा दूसरे का इंटीग्रेशन ऐसे, जैसे मैंने यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया ना x2/2, क्योंकि दूसरा फंक्शन आपका x है, तो मैंने डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन लिखा। ऐसे आपको बोर्ड में नहीं करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है। अगर डायरेक्ट हमारे पास, तो मैं तो लास्ट में एक फॉर्मूला बताने वाला हूँ जिससे आप एक स्टेप में इंटीग्रेशन निकाल सकते हो बाय पार्ट्स वाला, है ना, तो वो अगर यूज करेंगे तो जीरो मार्क मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स के लिए होते हैं, 3-4 मार्क्स के लिए होते हैं, तो आपको हर स्टेप को अच्छे से लिखना है। सो पहला फंक्शन ऐसे थी, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डेरिवेटिव, दूसरे का इंटीग्रेशन, अब मैंने ये डायरेक्टली लिख दिया है, बेसिकली यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको 3 स्टेप लगेंगे, ठीक है। तो अभी हमको ये चीज पता है बोर्ड के लिए कैसे करनी है, इसलिए अब हम लोग आगे सिर्फ कैलकुलेशन कैसे करनी है ये देखने वाले हैं। तो चलिए ये हो गया, सो इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे, x² × tan−1x/2। तो मैं देखो क्या करना है, अब इसके बारे में सोचना नहीं, इसको सीधा ला, क्योंकि इसमें तो कोई चेंज होने वाला नहीं, नीचे से ये स्टेप बार बार लिखना है। तो मैंने इसको सर्कल इसलिए किया है क्योंकि जब लास्ट में मैं आंसर लिखूंगा तभी अब मैं इसको लिखूंगा, अब नहीं लिखूंगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, सीधा इसको मैं सॉल्व करते जाता हूँ आगे। तो डिनोमिनेटर में तो कांस्टेंट है, तो −1/2 बाहर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ। अब इससे पहले ये टर्म है, लेकिन हम लोग अभी इसको सीधा लास्ट में लिखेंगे क्योंकि जगह बचाएंगे, ठीक है, सिर्फ जिसको आगे सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, उसी को लेके चलेंगे। सो बचा क्या बेटा, x² − 1 + x²dx। तो देखिए आपके दिमाग में ट्यूबलाइट जल गई होगी कि भैया नीचे 1 + x² है, तो एडजस्टमेंट आएगा। कैसा एडजस्टमेंट, देखिए −1/2 इंटीग्रल ऑफ 1 को ऐड करना है, 1 को सेपरेट करना है, डिवाइडेड बाय 1 + x²dx। आप डिनोमिनेटर को सेपरेट किया जा सकता है, दैट इज −1/2 इंटीग्रल ऑफ, सेपरेट कर रहे हो तो बाहर ब्रैकेट डालो क्योंकि −1/2 दोनों को मल्टीप्लाई है। ये गलतियां बहुत बच्चे कर देते हैं, ब्रैकेट ही नहीं डालते और फिर समझ में आता है कि यार आंसर तो गलत हो गया, कहां पर गलत हो गया ये भी नहीं समझना, ठीक है। सो 1 + x² को आपने सेपरेट किया, −1/1 + x², पहला टर्म हमारा एज इट इज है, उसके बारे में सोचना भी नहीं है, ठीक है अभी। सो −1/2 को थोड़ी देर के बाहर ही रखते हैं, अंदर पहले इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। सो ये 1 ये कैंसिल हो जाएगा दोनों एक दूसरे के साथ में, तो बचेगा 1, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या आता है, x विद रिस्पेक्ट टू x, 1 का इंटीग्रेशन, माइनस ये क्या है, 1 − x² का इंटीग्रेशन क्या आता है, tan इनवर्स ऑफ x, याद है ना स्टैंडर्ड फॉर्मूला, tan इनवर्स x, ठीक है, प्लस c। तो अब आपका इंटीग्रल निकल चुका था, आप फर्स्ट टर्म लिख सकते हो, दैट इज x² × tan−1/2। अब −1/2 से मल्टीप्लाई करो, −1/2x, −1/2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो −−, प्लस tan−1x/2 + c। अब देखना
बहुत बार अगर ये ऑब्जेक्ट टाइप में पूछा जा रहा है आपको, तो आंसर कुछ अलग तरीके से भी लिखा जा सकता है। जैसे tan inverse को कॉमन लिया जा सकता है, tan inverse x by 2 को कॉमन लिया जा सकता है, ठीक है। tan inverse x by 2 को कॉमन लिया, फिर इन दोनों में ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, x square, और यहाँ पे क्या है प्लस 1, ठीक है, और माइनस ये x by 2, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, मतलब एक ही चीजों को कॉमन लिया जा सकता है। चलिए साथ साथ हम लोग आंसर भी चेक करेंगे, ताकि कहीं पर गलती है तो हम लोग उसको तुरंत पकड़ सकते हैं। सो x square by 2 tan inverse x माइनस 1/2 x माइनस tan inverse x। अच्छा, उन लोगों ने क्या किया है, इसको एज इट इज रखा है, इन दोनों में से 1/2 को कॉमन लिया है, मतलब उन्होंने आंसर क्या लिखा है, x square tan inverse x by 2 एज इट इज, इसमें से माइनस 1/2 कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा x माइनस tan inverse x प्लस। तो जैसे मर्जी आप जिसको कॉमन निकालना निकालो, लेकिन ओरिजिनल आंसर चेंज नहीं होता, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। अभी क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, x स्क्वायर आया है x की जगह पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, x स्क्वायर आएगा, तो सेम तरीके से सॉल्व करते जाना है, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रल, यहाँ पर इंटीग्रल आएगा 3 माइनस इंटीग्रेशन, पहले का डेरिवेटिव यही आएगा और दूसरे का इंटीग्रेशन आएगा 3। अब यहाँ पर क्या होगा, 1/3 बाहर निकलेगा, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से आगे का जर्नी अलग है, ठीक है, आप अलग एडजस्टमेंट सोचना पड़ेगा, तो आपने इसको पॉज करके लिखा ना, मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए अब मुझे सोचना है कि कैसे एडजस्टमेंट करूँ जिससे मुझे इसका इंटीग्रल निकल आए, तो इसको थोड़ा सा देखिए आप, आपको जो भी चाहिए डिनोमिनेटर के अंदर, तो डिनोमिनेटर का सबसे पहले लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को। अब आपके पास तो एक्स क्यूब है, आपने एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैसे लिखा, तो क्या एडजस्टमेंट करूं मैं जिससे मुझे एक्स क्यूब वापस मिल जाए, तो मेरे पास एडजस्टमेंट किए जा सकते हैं, एक्स से मल्टीप्लाई करो तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर मिलेगा एक्स क्यूब, लेकिन एक्स वाला टर्म एक्स्ट्रा आएगा, तो एक्स को सेपरेट करो, तो इस तरीके से बन गया आपका एडजस्टमेंट। अब आप डिनोमिनेटर को सेपरेट करके इसका इंटीग्रल सॉल्व कर सकते हो, देखिए कैसे, माइनस 1/3 इंटीग्रल ऑफ, देखो मैं यहाँ पर ब्रैकेट डाल रहा हूँ क्योंकि अब मैं सेपरेशन करने जा रहा हूँ, तो अंदर दो टर्म्स बनेगी और माइनस 1/3 दोनों को मल्टीप्लाई करेगा। तो बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट ही नहीं डालते, माइनस 1/3 सिर्फ पहले टर्म को अप्लाई करते हैं और फिर आंसर गलत हो जाता है, ठीक है। सो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सो इस तरीके से आपने डिनोमिनेटर को सेपरेट किया है। अब बेटा ये तो कैंसिल हो जाएगा, सो माइनस 1/3 इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स बचा है माइनस, यहाँ पर देखिए नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मिल सकता है, कैसे, एक्स 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव होता है 2x, सो आप ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो तो काम सस्ते में निपट जाएगा। तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स, इंटीग्रल क्या होता है, यहाँ पर क्या यूज करेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स, तो इसका इंटीग्रल क्या होता है बेटा, लॉग ऑफ मॉड एफ ऑफ एक्स होता है, सही है। चलिए अब इसका इंटीग्रल आएगा माइनस 1/3 ब्रैकेट के अंदर, इसका इंटीग्रल बन रहा है एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 1/2, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन आ रहा है लॉग ऑफ मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी। तो फाइनली आपको क्या आंसर मिल रहा है, आपको आंसर मिल रहा है आई इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू टेन इनवर्स एक्स बाय 3, और यहाँ पर आपको मिल रहा है माइनस एक्स स्क्वायर बाय 6, इससे मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो प्लस लॉग ऑफ 1 मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 टू द 6 प्लस सी, ठीक है। तो आप चाहो तो माइनस 1/6 को कॉमन निकाल के ब्रैकेट के अंदर ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस 1/6 कॉमन ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस दिस, ठीक है, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। चलिए आगे, इसके बाद का क्वेश्चन नंबर 5 है, जहां पर एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई किया हुआ है, मतलब क्वेश्चन ध्यान में रख रहे हो, एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स एक्स क्यूब क्या बताना चाहते हैं, वो आपको बताना चाहते हैं कि हर बार जो आपको दिक्कत क्रिएट होगी वो एडजस्टमेंट में होगी, तो कैसे किया जाएगा एडजस्टमेंट। तो पहला तो स्टेप कॉमन है कि टेन इनवर्स पहले लिया फिर एक्स क्यूब लिया, तो पहला फंक्शन ऐसे थी, दूसरे का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, एक्स इंटू 4/4 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन, दैट इज एक्स इंटू 4/4, ठीक है। अब
ये एज इट इज रहने वाला, इसको लास्ट में लेंगे ही हम लोग, अभी इसको कैलकुलेट करते हैं। सो माइनस वन बाई फोर बाहर आएगा, आपके पास है एक्स रेस टू फोर डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब एडजस्टमेंट कैसे किया जाए, ठीक है, तो देखिए एडजस्टमेंट कैसे होगा। इंटीग्रल ऑफ, आप इसको लिखो एक्स रेस टू फोर माइनस वन प्लस वन डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा बहुत बड़ा होने वाला है। देखिए कैसे, मार्कर चेंज करता हूं मैं, क्या फायदा हो रहा है, दिस इज इक्वल टू माइनस वन बाय फोर इंटीग्रल ऑफ। अब देखिए मैं डिनोमिनेटर को सेपरेट करता हूं और साथ ही में मैं एक्स रेस टू फोर माइनस वन को लिख सकता हूं मैं एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, और डिनोमिनेटर को भी मैंने साथ में सेपरेट किया है डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, ये कैसे किया मैंने, एक्स रेस टू फोर माइनस वन को मैंने क्या लिखा, एक्स रेस टू फोर माइनस वन को मैंने लिखा एक्स स्क्वायर स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर स्क्वायर, या फिर यहाँ पर ऐसे लिखा कुछ लिखा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए माइनस बी एंड अनदर ब्रैकेट ए प्लस बी। ठीक है, तो ये पूरा ब्रैकेट इसके साथ में कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास माइनस वन बाय फोर ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स एंड प्लस वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो फाइनली आपको इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स टू बाई थ्री माइनस एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो लास्ट में आंसर क्या मिलेगा, ये आपको पहला टर्म है दैट इज एक्स रेस टू फोर इंटू टेन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय फोर माइनस आपको मिलेगा एक्स क्यूब बाई ट्वेल्व यहाँ पर प्लस एक्स बाय फोर माइनस टेन इनवर्स एक्स बाय फोर प्लस सी। ठीक है, तो ये है आपको फाइनल आंसर। चलिए मैं इससे पहले कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करूं मुझे थोड़ा सा इंक भरना पड़ेगा मार्कर के अंदर। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स डिस्कस करेंगे उसको। बाय पार्ट्स में एक ही है कि कैलकुलेशन अगर सही तरीके से नहीं किए तो साइन का मिस्टेक हो सकता है, बहुत छोटे छोटे मिस्टेक हो सकते हैं जिससे पूरा आपका एग्जांपल पूरा सॉल्यूशन गलत हो सकता है, इसलिए बहुत ध्यान से करना है आपको। सो अभी क्वेश्चन नंबर क्या देखा था, फाइव देखा था, सिक्स है। सो सिक्स क्वेश्चन के अंदर आपका फंक्शन है लॉग एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पर भी देखना, बहुत से बच्चे यहाँ पर जब भी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, बेटा जब भी प्रॉपर्टी यहाँ पर नहीं यूज होता है क्योंकि ये ब्रैकेट का स्क्वायर है, ये जिस नंबर का लॉग फाइंड आउट कर रहे हो उसका अगर पावर होता तो जंपिंग प्रॉपर्टी यूज होती है। मान लीजिए लॉग ऑफ ए रेस टू यम है तो यम टाइम्स लॉग ए हो सकता है क्योंकि जिस नंबर का लॉग निकाल रहे हो वो बेस इंडेक्स फॉर्म में है तो इंडेक्स यहाँ आ सकता है, लेकिन अगर यही मैं ऐसे लिखूं लॉग ए होल रेस टू यम तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए तो ये चीज समझ में आ गई आपको। अब यहाँ पर लॉग एक्स होल स्क्वायर दिया है, सो इंटीग्रल लेट आर बी इक्वल टू लॉग एक्स होल स्क्वायर इंटू वन डी एक्स। तो जब भी सिर्फ लॉगरिथम में फंक्शन दिया है या फिर सिर्फ इनवर्स फंक्शन दिया है तब आप लोग इसका इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, क्योंकि अब तक हम लोगों ने काफी सारे फॉर्मूलाज डिराइव किए हैं, अलग अलग फंक्शंस के इंटीग्रल्स भी निकाले हैं, लेकिन कहीं पर भी आपको ऐसे दिखा गया कि हमने लॉग से रिलेटेड किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फार्मूला निकाला है या फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्टैंडर्ड फार्मूला हमारे पास है। जैसे डेरिवेटिव है ना हमारे पास लॉग का, वैसे किसी भी लॉग के फंक्शन का हमारे पास इंटीग्रल नहीं है, सिमिलरली किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी हमारे पास इंटीग्रल नहीं है। इसलिए जब भी लॉगरिथमिक फंक्शन आता है सिंपल एक ही फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन उसको इंटीग्रेट करना है तो आपको बाय पार्ट्स ही यूज करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास लॉग के लिए स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है इंटीग्रेशन निकालने का। तो जब भी लॉग से रिलेटेड कोई फंक्शन आएगा अकेला है लेकिन इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो सेकेंड फंक्शन वन कंसिडर करो। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया है तो उसके लिए हमारे पास कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है तो उसको पहला फंक्शन कंसिडर करेंगे और दूसरा रहेगा वन। तो बाय पार्ट्स तो अप्लाई होगा लेकिन पहला फंक्शन आएगा लॉग और दूसरा आएगा वन। तो कैसे बाय पार्ट अप्लाई होगा, पहला फंक्शन जैसे के तैसा इनटू पहला फंक्शन बी एक मराठी बोलता है मराठी खूब मस्त मानते पहला फंक्शन जशाला तस दुसऱ्याच इंटिग्रेशन, आप दूसरा फंक्शन काय वन है दूसरे से इंटीग्रेशन माइनस
इंटीग्रेशन ऑफ पहले था डेरिवेटिव, पहले था डेरिवेटिव कैसा करता, टू टाइम्स लॉग एक्स कंपोजिशन है और लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन बाय एक्स दैट इज एक्स, पहले था डेरिवेटिव दूसरे था इंटीग्रेशन डी एक्स बघायला कसं म्हणायचं मला ते पहिलं फंक्शन जशाला तसं दुसऱ्याचं इंटिग्रेशन मायनस इंटिग्रेशन ऑफ पहिल्याचा डेरिवेटिव दुसऱ्याचं इंटिग्रेशन डी एक्स ये एकदम बहुत सही है। मतलब मुझे हमारे हमारे जो टीचर थे मैथ्स पढ़ाने वाले बहुत फेमस आदमी था मैथमेटिक्स का औरंगाबाद में, तो उन्होंने वो इसको ऐसे बोलते थे तो वही एक चीज़ मेरे ध्यान में रही, बाकी तो कुछ मैथ समझा नहीं मुझे लेकिन ये एक चीज़ मेरे बहुत अच्छे से ध्यान में रही। ठीक है, मतलब गलती मेरी थी न समझने में क्योंकि मैं कभी ध्यान ही नहीं देता था। चलिए तो इसीलिए टाइम पर चीज़ें संभालनी चाहिए हमें वरना बाद में एफर्ट्स करने पड़ते हैं। ठीक है चलिए कोई दिक्कत नहीं। लॉग एक्स होल स्क्वायर ये पहला फंक्शन है, पहला फंक्शन है दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पहले का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन, तो इसका डेरिवेटिव तो आप बताने की जरूरत नहीं है। log x होल रेस टू 2 है तो 2 टाइम्स log x और log x रेस टू 1 बाय x दैट इज एक्स, तो भाई साहब ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें तो कोई चेंज नहीं होने वाला, ये तो ऐसे ही आने वाला है कि इसको लास्ट स्टेप में लिखा जाएगा। देखो आप जब बोर्ड के लिए सॉल्व कर रहे हो तो इसको लिखना है, मैं यहां पर मेरा टाइम और स्पेस बचाने के लिए कर रहा हूं। आप इसको आगे लेते जाएंगे और जो भी इसके अंदर चेंज हो रहा है वो आगे बढ़ते जाएगा, ये चेंज आगे बढ़ते जाएगा, ये हर स्टेप में रिपीट होता जाएगा फालतू की तरह, लेकिन कोई हमारे पास और तरकीब नहीं है। तो आप मेरे पास क्या हो जाए इसको मुझे आगे बढ़ाना है, सो माइनस टू को मैंने बाहर लिया। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचा है, लॉग एक्स, सिर्फ लॉग एक्स बचा है। अब फिर से मुझे लॉग एक्स का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन नहीं आता है क्योंकि मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही नहीं है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन का अगर इंटीग्रेशन निकालना है तो बाय पार्ट्स ही यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर बाय पार्ट्स यूज करूंगा सेकंड फंक्शन वन कंसिडर करके, सो दिस इज इक्वल टू माइनस टू बाहर है ब्रैकेट दे दो और अंदर बाय पार्ट्स लगा दो। तो पहला फंक्शन ऐसे भी दूसरे का इंटीग्रेशन दूसरा वन है तो उसका इंटीग्रेशन आएगा एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डेरिवेटिव वन बाय एक्स इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, तो भाई साहब ये कैंसिल हो गया। तो फाइनली माइनस टू टाइम्स एक्स टाइम्स लॉग एक्स है मेरे पास और ये जो वन है इसका इंटीग्रेशन है माइनस एक्स। ठीक है, अब मैं फाइनल इंटीग्रेशन लिख सकता हूँ, दैट इज आई इज इक्वल टू पहला टर्म क्या आया था मेरा एक्स टाइम्स लॉग एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर आपको मिलेगा माइनस टू टाइम्स एक्स लॉग एक्स और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस टू एक्स एंड प्लस सी। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स होल स्क्वायर। तो इस आंसर को ऐसे ही रखते हैं, इसको और एक तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, वो भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। देखो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज करके फिर भी बाय पार्ट्स को लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हमने चलिए मान लीजिए इसको हम लोगों ने कहा Let this be equals to I be equals to this. अब सब्स्टिट्यूशन क्या होता है आपको पता है, बेस की जगह पर टी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक्स क्या बन जाएगा, यहाँ पर बेस कुछ नहीं मतलब ये होता है तो बेसिक डेफिनेशन लॉगरिथम का, लॉगरिथम फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्जन, एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ टू टी लिखेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट अगर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी सॉरी विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या मिलेगा आपको, एक्स का डेरिवेटिव आएगा वन और इसका डेरिवेटिव आएगा ई रेज़ टू टी कट टी ही आएगा और डी टी बाई डी एक्स। सो बेसिकली इस सब्स्टिट्यूशन के बाद में डी एक्स की जगह पर आपको मिलेगा ई रेस टू टी डी टी। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन अगर दिए हुए फंक्शन में हम लोग करेंगे दिए हुए इंटीग्रल में करेंगे तो लॉग एक्स की जगह पर आ रहा है टी दैट इज टी स्क्वायर और डी एक्स की जगह पर आ रहा है ई रेस टू टी डी टी। तो फाइनली आपको फिर से दो फंक्शन का प्रोडक्ट ही तो मिला है, आफ्टर सब्स्टिट्यूशन भी आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो अप्लाई करना ही पड़ेगा। तो दिस इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू, अब यहाँ पर सोचना है कि ये अल्जेब्रिक फंक्शन है और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो इन दोनों में पहले कौन आता है, तो देखिए इसको L I A T E इसमें लेफ्ट से स्टार्ट करिए कौन शुरुआत में अल्जेब्रिक पहले एक्सपोनेंशियल बाद में, तो सही लिखा है तो इसको एज इट इज रहने देते हैं t स्क्वायर इनटू e रे टू d dt। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पहला फंक्शन जैसे कि तैसा दूसरे का इंटीग्रेशन वो आता है e रे टू t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डेरिवेटिव दैट इज 2t और इसका इंटीग्रेशन दैट इज e रे टू t dt। ठीक है, सो ये एज इट इज रहेगा, इसको मैं आगे बढ़ा तो माइनस टू बाहर निकलेगा, फिर से टी इंटू रेस्ट टी को इंटीग्रेट करना है तो पहला फंक्शन एज इट इज। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ पहले दिस इज इक्वल टू पहला फंक्शन एज इट इज दूसरे का इंटीग्रेशन
माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन डी एक्स डी टी, सो दिस इज इक्वल टू माइनस टू टी टेंस ई रेस टू टी और इसका इंटीग्रेशन आएगा ई रेस टू टी। अब फाइनली अब अगर हमें आंसर लिखना है तो हमारा पहला टर्म क्या था टी स्क्वायर ई रेस टू टी माइनस टू टाइम्स टी टाइम्स ई रेस टू टी माइनस टू टाइम्स माइनस माइनस प्लस टू टाइम्स ई रेस टू टी। अब टी की जगह पर ई रेस टू टी और टी की जगह पर उसकी वैल्यू रखी जाए, सो ई रेस टू टी है एक्स और टी है लॉग एक्स, सो दिस एक्स इन टू लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू टाइम्स टी की जगह पर क्या आएगा लॉग एक्स और ई रेस टू टी की जगह पर एक्स, सो टू एक्स लॉग एक्स प्लस टू टाइम्स एक्स प्लस सी, तो वही आपको आंसर मिला है। तो आप जो मर्जी जिस मर्जी जिससे मर्जी आप सॉल्व करो आपको वही आंसर मिलेगा, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आया है हमारा सॉल्यूशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, पॉज करके लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर सेक क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं, देखने के बाद ऐसा लगेगा कि यार ये तो काफी आसान हो सकता है लेकिन ऐसे नहीं है, है ना। सेक क्यूब एक्स इसके जैसा आपने देखा है ऐसा आपको महसूस हो सकता है कि यार ये तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहा है इसको हम लोग आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, सो लेट आई बी इक्वल टू सेक क्यूब एक्स, लेकिन ऐसा नहीं है, आप करके देखना अलग अलग तरीके से किसी तरीके से आएगा क्या इसका इंटीग्रेशन, आता है क्या देखना इसका इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन से, क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे आप कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि जब भी सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग चेंज भी आपको देखना पड़ता है। तो इससे अच्छा है कि आप इसको ऐसे लिखो कि जहाँ पर आप लोग बाय पार्ट अप्लाई कर सकते हो। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, देखिए sec x into sec square x लिख सकता हूँ, तो ये दोनों भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो किसको भी पहले लिखो किसको भी बाद में, लेकिन हमें पता है सेकंडली आप उस फंक्शन को लिख सकते हो जिसका इंटीग्रेशन निकालना आसान है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हमेशा यही तो चीज होती है कि दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन दिया है तो पहले नंबर पर वो फंक्शन होता है जिसका डेरिवेटिव निकाला जा सकता है या फिर जिसका इंटीग्रेशन नहीं निकाला जा सकता है और इन जनरल ऐसे होता है, और दूसरे नंबर पर वो होता है जिसका इंटीग्रेशन निकाला जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो दूसरे नंबर पर हमेशा उसी फंक्शन को लिखना होता है कि जिसका इंटीग्रल आसानी से निकाला जाएगा, और इसीलिए तो वो सीक्वेंस आपको ध्यान में रखने के लिए बोला एल आई ए टी वाला, क्योंकि वो सीक्वेंस क्या करता है आपको सेकंड नंबर पर उस फंक्शन को रखता है जिसका इंटीग्रल निकाला जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो आप दोनों का भी इंटीग्रल निकाल सकते हो इसलिए कोई भी कहाँ पर भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन sec स्क्वायर x का इंटीग्रल tan x आसानी से आता है तो अच्छा है कि आप इसको सेकंड पोजीशन पर रखें। अब आप इसको बाय पार्ट सप्लाई करो तो पहला फंक्शन जैसे कि तैसा दूसरे का इंटीग्रेशन दैट इज tan x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का इंटीग्रेशन सॉरी पहले का डेरिवेटिव दैट इज sec x tan x और दूसरे का इंटीग्रेशन दैट इज tan x dx, सो लेफ्ट में क्या आपका आ गया, सो दिस इज इक्वल टू sec x tan x। अब ये क्या है sec x into tan square x, आप थोड़ा सा यहाँ पर और दिमाग लगा रहे हैं हम लोग sec x tan x as it is माइनस sec x tan square x को मैं लिखूंगा sec square x माइनस वन लिख सकता हूँ ना आइडेंटिटी है, तो ये क्या बन जाएगा ये बन जाएगा sec cube x और ये माइनस माइनस प्लस इंटीग्रल ऑफ sec x dx बनेगा। तो बेटा sec cube x तो ओरिजिनल फंक्शन है जिसको हम लोगों ने i कंसिडर किया है, so this i will be equals to sec x tan x minus हम इसको i plus integral of sec x tan x बोल सकते हैं, ठीक है, so इसे भी बोल सकते हैं। अब ये i left में चला जाएगा तो आपको मिलेगा 2 times i which is equals to sec x into tan x plus integral of sec x क्या होता है log of sec x plus tan x होता है, सही है, plus c। अब आपको 2i नहीं चाहिए सिर्फ i चाहिए तो 2 को इधर ले आओ तो 1 by 2 और ब्रैकेट के अंदर ये एज इट इज, सो दिस विल बी प्लस सी, दिस इज योर सॉल्यूशन। सो इस तरीके से sec cube x का इंटीग्रल आता है। बेटा अगर आप इसको लर्न करके ध्यान में रख सकते हो तो रख दो, कुछ रिजल्ट्स ऐसे इंटीग्रेशन में जिसको अगर आप रट्टा मार के ध्यान में रख सकते हो, देखो आपको पता है इसका सॉल्यूशन कैसे आता है फिर ध्यान में रखना है, रट्टा मार के रखो कैसे रखना है रखो, क्यों रखना है क्योंकि रेडी रेफरेंस में आपका ये टाइम बचाएगा। अगर मान लीजिए सीटी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप क्या करेंगे, या फिर आपका टाइम कितना बचेगा, इस क्वेश्चन का जो टाइम है वो आप दूसरे क्वेश्चन को दे सकते हो क्योंकि आपको इसका आंसर पता है,
सभी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर ध्यान में नहीं रखे जा सकते, लेकिन कुछ ऐसे पर्टिकुलर टाइप के होते हैं कि जिनको ज्यादा बार बहुत बार प्रैक्टिस करके आप इसको ध्यान में रख सकते हो। तो ये यहाँ पर 30 मिनट्स कंप्लीट हुए मेरे, मेरे पास अभी भी 20 मिनट का टाइम है, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूंगा और फिर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर फंक्शन दिया है x इंटू साइन स्क्वायर x, मेरे पास फंक्शन है x इंटू साइन स्क्वायर x, x इंटू साइन स्क्वायर x dx। सो मैं इसको कहूंगा लेट i बी इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ x इंटू साइन स्क्वायर x dx। अब इसमें मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो सीक्वेंस l i a t e, पहले l i a मतलब अल्जेब्रिक फंक्शन पहले होता है, फिर होता है ट्रिग्नोमेट्रिक, तो ये अल्जेब्रिक में ट्रिग्नोमेट्री है, सो l i a t e तो ये सही है, आज भी पहले है ट्रिग्नोमेट्री बाद में उसी तरीके से इसको भी लिखा गया है, तो चलो इसमें तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। अब सीधा बाय पार्ट सप्लाई करेंगे, तो बाय पार्ट सप्लाई करेंगे तो पहला फंक्शन जैसे कि जैसा दूसरे का इंटीग्रेशन, अब बेटा इसका इंटीग्रेशन नहीं निकाला जा सकता, तो हमारे पास फॉर्मूलाज अवेलेबल है sin स्क्वायर x का, क्या फॉर्मूला मेरे पास sin स्क्वायर x का, तो x * मैं sin स्क्वायर x को लिख सकता हूं 1 - cos स्क्वायर x / 2, याद है ना फॉर्मूला sin स्क्वायर x का, 1/2 कांस्टेंट उसको बाहर ले लो तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, सॉरी इंटीग्रल के अंदर क्या बचेगा, x माइनस x cos 2x dx, ठीक है। तो ये बेसिकली 1/2 x माइनस 1/2 x * cos 2x dx है। तो बेटा आप है ना इसको i1 बोलना और इसको i2 बोलना, तो I1 को हम लोग सीधे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज 1/2 x स्क्वायर प्लस c1, है ना, इसका इंटीग्रेशन सीधा सीधा आएगा x स्क्वायर / 2, x x टू n का इंटीग्रेशन का x टू n प्लस 1 / n प्लस 1 है ना, तो इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर / 2 आएगा, दैट इज x स्क्वायर / 4 प्लस c1, ये आया आपके I1 का इंटीग्रेशन। अब I2 को हमें सॉल्व करना है, सो I2 को सेपरेटली लिखेंगे, ठीक है। सो I2 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ क्या है आपके पास x into cos 2x dx। अब यहाँ पर ये जो i2 है, i2 किसको बोला हमने, चलिए 1/2 को भी साथ में लेते हैं क्योंकि 1/2 का भी जिक्र हुआ है, ठीक है। सो अब इसको हमें क्या करना है, इसको बार बार सप्लाई करेंगे आप, सो 1/2 बाहर रहेगा, पहला फंक्शन आई थी दूसरे का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन होता है साइन 2x / 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डेरिवेटिव 1, दूसरे का इंटीग्रेशन साइन 2x / 2 dx, ठीक है। अब this is equal to 1/2 x sin x sin 2x / 2, तो as it is आएगा sin 2x का derivative क्या बनेगा, cos 2x / 2 minus cos 2x, तो minus minus plus बन जाएगा, cos 2x / 2 और ये 2 बन जाएगा 4, ठीक है, plus c, तो ये आया आपके, इसको आप finally लिख सकते हो x sin 2x / 8 plus cos 2x / 8 plus c, तो फाइनली आपका आंसर आएगा देयरफॉर आई विल बी इक्वल टू आई वन, आई वन का वैल्यू एक्स स्क्वायर बाय 4, ठीक है, माइनस आई टू का वैल्यू एक्स साइन 2x बाय 8 प्लस कॉस 2x बाय 8 प्लस सी, ठीक है, इसको सी टू जब आप बोर्ड के अंदर सॉल्व कर रहे हो तो आई वन का वैल्यू लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस सी वन लिखना है, फिर आई टू का वैल्यू लिखेंगे तो प्लस सी टू के साथ में लिखना है, फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर इन तीनों को लिखे प्लस सी लिखना है और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे सीन्स सी, आपने सी वन प्लस सी टू को कंसिडर कर लिया, तो बोर्ड के अंदर जब लिखते हो तो सी वन प्लस सी टू को आप लोग एक ही कॉन्स्टेंट मान रहे हो, क्योंकि सी वन सी टू बेसिकली है तो कॉन्स्टेंट ही, तो उनका एडिशन करके जो भी नया कॉन्स्टेंट बन रहा है उसको आप कैपिटल सी बोल रहे हो या फिर जो भी स्मॉल सी बोल रहे हो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे, नहीं क्वेश्चन नंबर 9 मैं नहीं देखूंगा क्योंकि ये आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो x क्यूब इनटू log x दिया है, जो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था ना ये बिल्कुल उसके जैसा है, पहले क्वेश्चन में हमारे पास x स्क्वायर इनटू log x था, यहां पर x क्यूब इनटू log x है, क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर फंक्शन है e रेस टू 2x cos 3x, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 10 मैं लिख रहा हूँ, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10
फंक्शन है मेरे पास e raise to 2x into cos 3x, e raise to 2x into cos 3x dx, ठीक है। अब आपको तो पता है बेटा, let r be equals to exponential, फंक्शन तो सबसे लास्ट में होता है, तो obviously trigonometry को पहले ले लो, exponential को बाद में ले लो, dx। अब by part supply करना है यहाँ पर, पहला फंक्शन जैसे कि तैसा, दूसरे का इंटीग्रेशन, e raise to 2x by 2, अब देखना, a raise to x का इंटीग्रेशन होता है, a raise to x by log a, लेकिन a की जगह अगर e आता है, तो e raise to x by log e, लेकिन log e का वैल्यू पता होता है, इसलिए मेंशन करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, लेकिन x का कोएफिशिएंट जो भी उससे तो डिवाइड करना पड़ेगा, सो पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डेरिवेटिव दैट इज sin 3x by 3, दूसरे का इंटीग्रेशन dx, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू, अब इसको तो मैं लिखूंगा नहीं, इसको सबसे लास्ट में लिखेंगे, सो इसको कंटिन्यू करते हैं, माइनस 1 बाय 6, 6 कांस्टेंट है उसको बाहर ले लिया, अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, sin 3x into e टू द पावर 2x dx, देखो ये अनथिंक प्रोसेस है, इसलिए इस टाइप के एग्जांपल में एक चीज ध्यान में रखनी है आपको, आई को भूलना नहीं है लेफ्ट के, क्योंकि आपको आप और एक स्टेप के बाद में यही फंक्शन रिपीट मिलेगा, क्योंकि साइन का भी डेरिवेटिव निकलता रहेगा, e रेस टू 2x का इंटीग्रेशन निकलता रहेगा, ये कहीं पर भी खत्म नहीं होने वाला, इसलिए जब भी इस टाइप के एग्जांपल में इंटीग्रेशन निकालना पड़ता है तो ध्यान रखना है कि आपको ओरिजिनल फंक्शन कब रिपीट हो रहा है, तो अब रिपीट होगा देखना, अब इसको हम फिर से इंटीग्रेट करेंगे, सो माइनस 1 बाय 6 बाहर रखेंगे, इसको बाय पार्ट सप्लाई करने के बाद अंदर दो टर्म्स आने वाली है, इस बात का मेरे दिमाग में ख्याल है, इसलिए मैंने ब्रैकेट डाला है, और बहुत से बच्चे नहीं जानते, सो पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन e रेज़ टू 2x / 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डेरिवेटिव, अरे मैंने ये क्या कर दिया, पहला फंक्शन है थी, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डेरिवेटिव भी मैंने इंटीग्रेशन लिया था, पहले का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन 3x इंटू 3, ये ऐसी गलती होती है, पहले का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन यानी e रेज़ टू 2x / 2 dx, सो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और दूसरी चीज 3 बाय 2 बाहर आएगा, और ब्रैकेट के अंदर रहेगा साइन 3x e रेज़ टू 2x, ठीक है, सो यहां पर भी आएगा 3 बाय 2, अब पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डेरिवेटिव दैट इज 3 cos 3x, साइन 3x का डेरिवेटिव cos 3x और 3x का डेरिवेटिव 3, माइनस पहले का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन यानी e रेज़ टू 2x / 2 dx, आप देख रहे हो 3 बाय 2 को बाहर निकल, सो ये 3 बाय 2 तो बाहर गया है, यहाँ पर आपको मिल रहा है साइन 3x इंटू e रेज़ टू 2x / 2, और ये अगर माइनस 3 बाय 2 बाहर निकलेगा तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा cos 3x इंटू e रेज़ टू 2x dx, तो इसको अगर आप देख रहे हो तो ये है आपको ओरिजिनल फंक्शन, दैट इज आप इसको अभी आई बोल सकते हो, ठीक है, चलिए कैलकुलेशन आगे बढ़ाएंगे, पॉज करके लिखते जाओ क्योंकि मैं हटाते जाऊंगा, मेरे को जैसे जैसे जगह लगेगी, तो इस 3 बाय 2 से आप अंदर मल्टीप्लाई करना है, सो 3 बाय 2 से मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया, सो दिस इज इक्वल टू 3 बाय 4 इंटू साइन 3x इंटू ई रेस टू 2x, ठीक है, माइनस ये 3 इंटू 3 9 और 2 इंटू 2 4 दैट इज 9 बाय 4, और ये जो इसको हम लोग आई बोल रहे हैं, ठीक है, और लेफ्ट में मेरे पास आई है, ठीक है, सो ये तो मेरा सेकंड टर्म था, तो मेरा बेसिकली ये इसको राइट में लेके आता हूँ मैं 9 बाय 4 आई, और इसके पहले मैंने जो सर्कल किया था ये मेरा पहला टर्म था, इसको मैं लिख रहा था cos 3x इंटू e रेज़ टू 2x / 2 प्लस 3 बाय 4 sin 3x इंटू e रेज़ टू 2x, सो इसका एडिशन करो तो आपको मिलेगा 13 बाय 4, क्योंकि 4i प्लस 9 है 13 एंड i, सो दिस इज इक्वल टू, सो ये एंट्री आएगा, अब नेक्स्ट स्टेप में ये 4i इधर आके 4 बाय 13 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, सो 4 बाय 13 इंटू फर्स्ट स्टेप दैट इज cos 3x इंटू e रेज़ टू 2x / 2 प्लस 4 बाय 13 इंटू 3 बाय 4 sin 3x इंटू e रेज़ टू 2x, सो 4 4 विल गेट कैंसिल 2 2 जा 4, तो फाइनली आपको मिला है 2 बाय 13 cos 3x इंटू e टू द पावर 2x प्लस 3 बाय 13 sin 3x इंटू e टू द पावर 2x, ठीक है, आप चाहो तो e टू द पावर 2x को कॉमन में निकाल सकते हो, बाकी की चीज़ों को जैसे कि तैसे रख सकते हो, तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन, अब मैं थोड़ा सा रेस्ट लेता हूँ, इंक वगैरह भरता हूँ, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे।
चलिए बेटा 11 नंबर का क्वेश्चन मैंने लिखा है। सो अब हमारा इनवर्स फंक्शन से सामना हो रहा है, तो पहले क्या लेंगे, इनवर्स फंक्शन लेना पड़ेगा सबसे पहले तो। क्यों? क्योंकि सिक्वेंशियल ऑर्डर में पहले आता है इनवर्स फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन से, तो इसलिए मैंने इनवर्स फंक्शन को पहले लिखा है। रूल याद रखना है LIATE, सो इनवर्स फंक्शन कम्स बिफोर अलजेब्रिक फंक्शन, दैट्स व्हाई वी टेक इट एट द फर्स्ट पोजीशन। सो पार्ट सप्लाई करेंगे पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डेरिवेटिव, दूसरे का इंटीग्रेशन dx, ठीक है। चलिए इसको ध्यान में रखना है, बाद में करना है इसको, क्या करना है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, माइनस वन बाई टू बाहर लिया, एक्स स्क्वायर बाय रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो नीचे देखना है और नीचे देख के ऊपर एडजस्टमेंट जाना है। सो वन में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और वन इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वन वन कैंसिल हो जाएगा, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। सो इससे क्या होगा, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा माइनस ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, इससे क्या होगा प्लस वन, ये माइनस वन और एक्स स्क्वायर जो है वो प्लस वन जाएगा, और माइनस वन प्लस वन के साथ में कैंसिल होकर ओरिजिनल एक्स स्क्वायर बचा रहेगा, ठीक है। तो ये वाला एडजस्टमेंट रहेगा, ठीक है। जैसे कि इसको मैं अब ऐसे लिख सकता हूँ वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये सही है, ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट कैसे किया, इसके वजह से अब माइनस वन बाई टू है, मैं इसको ब्रैकेट डाल रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस ये है वन माइनस एक्स स्क्वायर बाय रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो अब आपके पास है माइनस वन बाय टू इंटीग्रल ऑफ वन बाय रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस, ये दोनों सेम है ना, तो ऊपर क्या बचेगा रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। चलिए अब सॉल्व करना है आगे। सो आपके पास है माइनस वन बाई टू इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल क्या आता है बेटा, लॉग ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या आता है, तो साइन इनवर्स आ एक्स आता है, तो इसका इंटीग्रल आएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस, इसका इंटीग्रल क्या होगा माइनस। अब देखो इसका जो भी इंटीग्रल आता है उसके अंदर दो टर्म्स आते हैं क्योंकि न्यूमरेटर में है, तो हमने देखा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रल क्या आता है एक्स बाई टू, एक्स बाई टू आता है, ठीक है ना, एक्स बाई टू रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू और लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे आता है। तो दिस इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू, इससे मल्टीप्लाई करेंगे साइन इनवर्स एक्स, इससे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स बाय फोर रूट वन माइनस स्क्वायर, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव बन गया। सो यहाँ पर भी मिलेगा प्लस ए स्क्वायर बाय फोर लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस रूट वन माइनस स्क्वायर, इतना दिमाग खराब हो चुका है मेरा तो फॉर्मूला भूल गया हूँ मैं, देखता हूँ आंसर सही है। सो ये तो एक्स स्क्वायर इसका तो कोई काम ही नहीं था, ये तो सही होना ही है। माइनस वन बाय फोर साइन इनवर्स एक्स, वन बाय फोर साइन इनवर्स एक्स वहाँ से आया, और यार कहीं तो गलत हुआ है, बहुत बहुत घटिया तरीके से गलत हुआ है, पता नहीं क्या हो गया। माइनस वन बाई टू साइन इनवर्स एक्स, अच्छा ठीक है, लॉग का क्या सीन हो गया, मैं फॉर्मूला भूल गया हूँ, कौन सा वाला रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में, अच्छा यहाँ पर लॉग नहीं आता साइन इनवर्स आता है, यहाँ पर है ना ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए आता है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स आएगा क्योंकि ए वन है,
ठीक है, थोड़ा देर इसको और अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। सो माइनस वन बाई टू साइन इनवर्स एक्स माइनस ये बनेगा एक्स बाई टू रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स। अब ए स्क्वायर मतलब वन, वन बाई टू भी आएगा ये, ठीक है। सो ए स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर। सो दिस विल बिकम माइनस वन बाई टू साइन इनवर्स एक्स। अच्छा ये साइन इनवर्स एक्स और ये माइनस वन बाई टू क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स एक्स को अगर कॉमन लेते तो वन माइनस वन बाई टू दैट इज वन बाई टू। सो ये साइन इनवर्स एक्स बाई टू माइनस एक्स बाई टू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। फाइनली अगर माइनस वन बाई टू से इसको मल्टीप्लाई किया तो साइन इनवर्स एक्स बाई फोर माइनस आएगा और ये बन जाएगा प्लस। सो प्लस एक्स बाई फोर रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब पहला टर्म लिखेंगे हमारा क्या था, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स बाई फोर प्लस एक्स बाई फोर तो रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये है आंसर जिसको मैं चेक कर रहा हूँ जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। सो इस तरीके से देखो ये ऐसे होता है क्योंकि मैं एक के साथ एक, एक के पीछे एक अलग अलग टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ तो इसके लिए ऐसे हो जाता है कभी कभी। तो फॉर्मूला कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, अब मुझे भी एक बार रिवीजन की ज़रूरत है, पहले जो भी पढ़ा है उसको एक बार मैं भी रिवाइज करूँगा। फॉर्मूला ऐसे लग रहा है मैं भूल रहा हूँ, कन्फ्यूजन हो रहा है इधर से उधर उधर से, चलिए होता रहता है ऐसे। क्वेश्चन नंबर टू ट्वेल्व, क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व के अंदर हमारे पास है एक्स स्क्वायर इंटू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। सो एक्स स्क्वायर इंटू कॉस इनवर्स एक्स है। सो क्या करना है, कॉस इनवर्स एक्स को पहले लेना है और एक्स स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करेंगे बार बार सप्लाई करेंगे, कर सकते हो बेटा आप लोग इसको सेम तरीके से, पहला फंक्शन एज इट इज दूसरे का इंटीग्रेशन दैट इज इसको पहले माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डेरिवेटिव दैट इज माइनस वन बाय रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर और दूसरे का इंटीग्रेशन दैट इज एक्स क्यूब बाई थ्री डी एक्स। चलिए एडजस्टमेंट शायद नहीं चलेगा आपको इसलिए मेरे को कम नहीं पड़ेगा। सो इसको अगर एज इट इज रहने देते हैं, वन बाई थ्री को बाहर लेते हैं तो ये बन जाएगा प्लस वन बाई थ्री और ब्रैकेट के अंदर बचा रहेगा एक्स क्यूब बाय रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो इसका एडजस्टमेंट कैसे किया जाएगा, नीचे अगर आप देखेंगे तो वन माइनस एक्स स्क्वायर है तो अगर मान लीजिए आप सब्सटीट्यूशन करते हो एक्स स्क्वायर की जगह पर टी और इसको डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स टू एक्स डी एक्स, टू एक्स इज इक्वल टू बन जाएगा डी टी बाई डी एक्स दैट इज टू एक्स डी एक्स, डी एक्स इधर चला जाएगा डी टी बाई टू बचा रहेगा। सो टू सॉरी एक्स डी एक्स बन जाएगा डी टी बाई टू, तो इस इंटीग्रल के अंदर वन बाई थ्री इंटीग्रल ऑफ इसको मैं इधर लिखता हूँ, बोर्ड के अंदर अगर सॉल्व करना है तो कैसे करना पता है ना, इसको सेपरेट बाजू में लेके सॉल्व करो, ठीक है। ये एज इट इज रखो, इसको आई वन बोलो और सॉल्व करो आई वन को फिर साइड में लेके। सो सब्स्टिट्यूशन से क्या मिलेगा आपको आई वन, चलिए मैं इसको आई वन बोलता हूँ, आई वन इज इक्वल टू वन बाई थ्री इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब को आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब को आपने लिखा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डिवाइडेड बाय रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो सब्स्टिट्यूशन से एक्स डी एक्स क्या बन जाता है, एक्स स्क्वायर बन जाता है टी, एक्स डी एक्स बन जाता है डी टी बाई टू और डिनोमिनेटर में आता है वन माइनस टी स्क्वायर, सो ये डी टी बाई टू है, ठीक है। सो वन बाई थ्री, सो टू से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर माइनस टू से करेंगे तो नीचे का डायरेक्ट ऊपर आपको डायरेक्ट मिलेगा, ठीक है। सो ये माइनस टू टी डिवाइडेड बाई वन माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी और ये टू बाहर आएगा तो ये वन बाई सिक्स बन जाएगा। तो बेसिकली आपको माइनस वन बाई ट्वेल्व मिल रहा है बाहर और ये कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, इंटीग्रल ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई रूट एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसका इंटीग्रल क्या होता है टू टाइम्स रूट एफ ऑफ एक्स होता है, ठीक है ना। सो माइनस वन बाई ट्वेल्व और यहाँ पर इसका डेरिवेटिव ऊपर आया है तो इसका इंटीग्रेशन बनेगा टू टाइम्स रूट एफ ऑफ एक्स दैट इज वन माइनस टी स्क्वायर। सो टू टू ये कैंसिल हो गया माइनस वन बाई सिक्स बचेगा रूट के अंदर वन माइनस टी स्क्वायर प्लस सी। तो इसके जगह पर t का वैल्यू रखा जाएगा तो t क्या आपने कंसीडर किया था एक्स स्क्वायर तो वन माइनस एक्स स्क्वायर और शुरुआती टर्म क्या था मेरा एक्स क्यूब इंटू कॉस इनवर्स एक्स बाय थ्री। तो फाइनली ये आपका आंसर रहेगा, एक बार मैं चेक कर लूँगा। सो एक्स क्यूब ये आ गया माइनस वन बाई थ्री
रूट ऑफ माइनस वन बाई थ्री रूट ऑफ वन माइनस फोर। और इसी तरीके यहाँ पर इस तरीके से हमारा आंसर गलत हो चुका है, ठीक है, कैसे गलत हुआ है पता नहीं, सब्सट्रैक्शन तो सही था। चलिए बेटा टाइम खत्म हो रहा है, शायद ये आंसर सही होना चाहिए, आप एक बार चेक करो, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये एग्जांपल फिर से डिस्कस करूंगा। उन लोगों का आंसर आया है, बहुत बार इंटीग्रेशन में ऐसे होता है कि आंसर अलग अलग होते हैं लेकिन सही होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ओरिजिनल फंक्शन मिलता है। चलिए ठीक है, कुछ नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।